बॉलीवुड में अपने सफल करियर के बाद प्रसिद्ध अभिनेत्री कंगना रनौत राजनीति में कदम रख चुकी हैं। कंगना रनौत आगामी लोकसभा चुनावों में बीजेपी की मंडी सीट से चुनाव लड़ने जा रही हैं और आगामी चुनाव के लिए उन्होंने हिमाचल प्रदेश के मंडी में प्रचार अभियान भी शुरू कर दिया है। आज इसी सिलसिले में मंडी पहुंची अभिनेत्री और बीजेपी नेता कंगना का जनता द्वारा गर्मजोशी के साथ भव्य स्वागत किया गया। कंगना से मिलने भारी संख्या में लोग जुटे थे। इस दौरान सभी ने जय श्री राम के नारे भी लगाए। अपने लिए मिले इस स्वागत के लिए उन्होंने मंडी की जनता का सहृदय आभार व्यक्त किया। इसी के साथ उन्होंने मंडी की जनता को संबोधित करते हुए कांग्रेस और विपक्षियों पर जमकर प्रहार किया। मैं ये समझती हूँ कि हमारा जो मंडी क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है। ठीक है, मैंने एक किसी फील्ड में मेरी अपनी उपलब्धि होगी, फिल्मों में जहाँ पे मुझे जो भी अवार्ड मिले हैं जो भी है, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि मैं उसके दम पे ये जीत जाऊंगी। अब जो है इलेक्शन है, ऐसा नहीं है। लोगों तक मेरे विचार पहुंचाना आप ही का काम है, लोगों तक मेरी भावना और मेरी निष्ठा, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, मेरे जो लोगों के प्रति भाव है, मेरे जो मंडी के प्रति भाव है, मेरे जो लोगों की सेवा करने का मेरे मन में जो निष्ठा है, वो भाव आप लोगों तक लेके जाएंगे। लोग उन्हें भ्रमित भी कर रहे हैं कि ये वहां की रहने वाली है, आप फ्लाइट लेके जाओगे क्या उधर? क्या आप मुझे बताइए कि अगर देखा जाए तो जिन्होंने मुझे ऐसा बोला हो, वो लोग खुद तो रामपुर में रहते हैं, तो क्या वो कभी यहाँ पे अपना घर बनाएंगे? मेरा तो यहाँ घर है, मैं तो यहाँ की बेटी हूँ, मेरा मनाली में भी घर है। ये देखो, ये सब विचलित करने वाली बातें हैं। और देखा जाए तो राहुल गांधी तो वायनाड से भी इलेक्शन लड़ते हैं, तो इलेक्शन तो कोई कहीं से भी लड़ सकता है, वो बात नहीं है। बात होती है कि आपकी मंशा क्या है, तुम्हारी भावना क्या है, तुम्हारा से आपका जो है लोगों को सर्व करने की आपकी सच में ही आपकी इच्छा है कि आप बस जीत जाने के लिए या थोड़ा मीडिया में लाइमलाइट में, उसकी मुझे कोई कमी नहीं है। मीडिया की लाइमलाइट की मेरा अपना भी एक प्रोफेशन है। मैं जो यहाँ पे आई हूँ तो मैं अपना सब छोड़कर इसी भाव से आई हूँ कि मुझे लोगों की सेवा करनी है।